हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन की क्लिप है 3 अगस्त की, और मॉर्निंग का टाइम है। ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि बच्चे वगैरह सब लोग हैं घर में, तो बन रहा है गर्मा गर्म पोहा। तो भाभी ने ऑयल डाला, ऑयल में थोड़ा सा जीरा, उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, उसके बाद टमाटर, और ये डाली है मटर, ये फ्रोज़न मटर है। इन सभी को अच्छे से पहले भून लेंगे, उसके बाद जाएंगे कुछ मसाले। तो मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली है और धनिया इसमें अच्छा लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी पाउडर ही डालते हैं। और ये देखिए पोहा डाल दिया है, पोहा पहले से ही धो करके रख दिया था, तो अच्छे से फूल चुका है, और पोहा ऐड कर दिया है। पोहा ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से चला दिया है, ऊपर से रोस्टेड मूँगफली डाली है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, पोहा बन चुका है। सब लोगों ने पोहा इन्जॉय किया, उसके बाद घर का काम वाम करके और सब कुछ करने के बाद, नहाने धोने के बाद यहाँ पे बन रही है मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई ली है क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए उसमें डाला है पनीर। और पनीर को बिल्कुल लाइट कलर का मैं फ्राई करूँगी, डीप फ्राई कर रही हूँ, तो बस इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा वैसा ब्राउन कलर हो जाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हल्का सा इसको वाइट ही रखेंगे। तो बस हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और ऐसे ही करके मैं सारा का सारा पनीर फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत स्वादिष्ट बनता है इस तरह से मटर पनीर, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो इसको देखो फ्राई हो चुका है, मैंने एक प्लेट में निकाल दिया, सारा का सारा पनीर मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया है। और हमारे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, घर का ऑयल है ना इसलिए। तो बस ये देखिए ऑयल अभी थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें अभी हमको ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर ये सारी चीज़ों को फ्राई करना है, इसलिए ऑयल में थोड़ा सा कम कर रही हूँ कढ़ाई में से। तो बहुत थोड़ा सा ऑयल रखा है मैंने कढ़ाई में, उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, उसके बाद एक मैंने डाली है बड़ी इलायची, थोड़े से तेज पत्ते, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 से 3 मैंने हरी मिर्च हरी इलायची डाली है। तो ये सारे साबुत मसाले डालने के बाद अच्छे से पहले इनको भून लेंगे, उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं प्याज, इस तरह से रफली चॉप की हुई, क्योंकि इसकी हमको ग्रेवी बना के तैयार करनी है, और इसमें है हरी मिर्ची बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे से फ्राई करना है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर रफली चॉप किए हुए। तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, और इसमें मैंने 3 से 4 टमाटर ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँ जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये मसाला जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद ग्राइंडर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसी कढ़ाई में वापस से मैंने ऑयल लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो ग्रेवी इसमें ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से आपको भूनना है, और अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको भुना हुआ था, उसके बाद इसमें मैंने डाले हैं कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर थोड़ा सा लिया था, लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है, और धनिया पाउडर लिया है। तो मिर्च वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, सारे मसाले जैसे आपके घर में खाए जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मसाले पड़े हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है आपको, जितना ज़्यादा आप मसाले भूनेंगे उतनी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसमें मैंने फ्रोज़न मटर ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा मैंने गर्म कर लिया था क्योंकि बाहर से आई थी ना इसलिए, तो हल्का, वैसे तो ये बॉईल रहती है लेकिन मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा गर्म किया था। मटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ टोमेटो केचप, और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी दूध की मलाई। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसी से मटर पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है ये पनीर जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, इसको भी अच्छे से भुनने देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, आपको ग्रेवी को कितना थिक रखना है, कितना रनी रखना है, तो मैं अपनी फैमिली के हिसाब से इसको
लिक्विड बना रही हूँ, और उसके बाद क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाता है पनीर। तो ये देखिए, बस किचन के सारे काम निपटाने के बाद मैं आई हूँ अपने रूम में। तैयार हो रहे हैं हम सभी लोग राखी के लिए। तो मैं मायके तो नहीं गई हूँ, लेकिन राखी तो यहाँ भी मनाई जाएगी। दीदी वगैरह सभी लोग आई हुई हैं, तो मैं अपने ईयर रिंग्स वगैरह पहन रही हूँ, रिंग वगैरह पहन रही हूँ। नहा तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग लिया था मैंने, उसके बाद ये सारे घर के काम वगैरह निपटाए हैं, खाना वगैरह रेडी कर दिया है, क्योंकि फिर ना पूरी तरह से तैयार होने के बाद खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले किचन का काम निपटा लेते हैं। ये है रचना, नेल पेंट लेने आई थी, अमृता को लगा रही हैं। तो मैं अपनी पायल वगैरह दूसरी पहन रही हूँ, तो ये मैं पहन रही हूँ तीन तीन बिछुए, क्योंकि मैं ना दिल्ली में एक ही एक पहनती हूँ, यहाँ पे आती हूँ ना तो मम्मी गुस्सा होती हैं, तो मैं रख करके लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पे ये देखो तीन तीन बिछुए पहन लिए। मैंने सोचा था कि जिस दिन रक्षाबंधन होगा उसी दिन पहन लूँगी, क्योंकि तीन तीन बिछुए पहनकर मुझे थोड़ी अड़चन सी होती है, तो मम्मी तो गुस्सा होती है, इसलिए मैंने पहन लिए। तो बस यहाँ पर अपना फेस का थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, कहीं जाना तो नहीं है लेकिन फ़ोटो वोटो शूट करेंगे और फिर वीडियो बना रही थी, इसलिए सोचा कि चलो तैयार हो जाते हैं। तो बस रचना भी यहाँ पर तैयार हो रही है, मैं भी हो रही हूँ, और भाभी भी तैयार हो रही थी अपने रूम में। ये देखो थोड़ा सा मैंने मेकअप किया है, फेस का लाइनर वगैरह लगाया है और तैयार हो चुकी हूँ, तो आप सबको सोचा कि पास से दिखा देती हूँ। अभी मैंने चोटी नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे बाल ना थोड़े से गीले थे, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किए थे अपने, इसलिए। तो ये देखो मेहंदी दिखा रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। तो हर्ष के लिए मैं ये वाला सूट लेके आई थी, और जो फ्रॉक लेके आई थी वो अमृता के लिए लेके आई थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना बच्चों के कपड़े, तो मैं इन दोनों के लिए ही लेके आई थी, इसने पहन रखा है। देखो 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 है। तो पूजा वाले रूम के बाहर बनाए जाते हैं श्रवण कुमार, इनकी पूजा की जाती है रक्षाबंधन वाले दिन, तो बस मम्मी वही बना रही हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। पूजा कर मम्मी ने पूजा कर दी थी तो वो मैं आपको दिखा ही नहीं पाई, लेकिन बनाते हुए दिखा दिया था। तो इस तरह से दोनों गेट पर बनते हैं। तो शुरू से ही रक्षाबंधन वाले दिन मैं कान्हा जी को बांधती हूँ राखी, तो बस यहाँ पे मैंने प्लेट रख ली है और पटे पर मैंने उनको बैठाया है। उसके बाद बस यहाँ पे मम्मी आई हैं, मम्मी भी तिलक करेंगी, दीदी भी तिलक करेंगी, सभी लोगों ने तिलक किया, पैसे वैसे चढ़ाए उनको, और उनके बाद फिर मैंने कान्हा जी को राखी बांधी, तिलक किया, भोग लगाया। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने कान्हा जी को ही राखी बांधी थी, और सबसे पहले जैसे मैंने उनको स्नान कराया था उसके बाद मैंने उनके कपड़े चेंज कर दिए थे, ये वाला ड्रेस मैं उनका रख करके लेके आई थी, तो बढ़िया न्यू ड्रेस पहन करके बैठे हैं वो भी।
ये देखो मैंने तीन तीन बिछुए पहने हैं, पायल चेंज कर ली है और अलता लगाया है पूजा करने से पहले, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम लोगों ने किसी ने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि सबसे पहले राखी बांधनी थी, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले भैया को दीदी राखी बांध रही हैं, यही हैं बीच वाले भैया जो BSF में हैं, और दीदी बस यहाँ पे सभी को राखी बांधेंगी एक एक करके। तो सबसे पहले भैया, फिर भाभी, फिर इनको बांधी थी, फिर मुझे बांधी थी, तो इस तरह से मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। तो सबका ही मैंने थोड़ा थोड़ा आप सबको दिखाया है, चलिए आगे देखते रहिए। तो वीडियो तो बन ही रहा था लेकिन वीडियो के साथ साथ फ़ोटोशूट भी हो रहे हैं यहाँ, इसलिए भैया दीदी वगैरह सब लोग ऐसे देख रहे हैं कैमरे की साइड, क्योंकि सभी लोग अपने अपने फ़ोन लेकर के खड़े हुए हैं। तो यही यादें होती हैं, है ना। तो बस सब लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो शूट कर रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। ये हैं भाभी बीच वाली, तो ये बैठ करके ये भी राखी बंधवा रही हैं। तो चलिए अब नंबर आता है सबसे छोटे वाले हर्ष का। तो यहाँ पे हर्ष की पहली रक्षाबंधन है इस बार, तो सबसे पहले हर्ष को तिलक कर रही हैं हर्ष की बुआ जी। उसके बाद अमृता भी पहली बार अपने भाई को राखी बांधेंगी, फिर सपना भी हैं, रचना भी हैं, तो सभी लोग हर्ष को राखी बांधेंगे, तिलक करेंगी। और वो देखो कितने अच्छे से बैठा है अपनी दादी की गोद में। तो अमृता भी पहली बार राखी बांध रही थी, उनको ऐसा कुछ नहीं पता था कि कैसे तिलक करना है, कैसे राखी बांधनी है। बच्चे हैं, जैसे बता रहे थे वैसे वो करती जा रही थी। ये देखो कैसे राखी बांध रही हैं, बांध क्या रही हैं, बस ऐसे ही डाल दी थी हाथों में और फिर सपना वगैरह ने बांध दी थी। तो उनको तिलक वगैरह करना नहीं आता है, हम लोग बताते जा रहे थे तो करती जा रही थी। फिर बच्चे हैं, हम लोग फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो बिल्कुल मना कर रही थी, मम्मी देखो फ़ोटो, मम्मी देखो वीडियो, तो उनको पता नहीं, पसंद नहीं आता। और रुस्तम को भी देखो, ये दीदी का
का बेटा है, एक ही बेटा है दीदी का। तो ये देखो, ये भी ना रुस्तम को राखी बांध रही हैं और तिलक तो ऐसे करेंगे जैसे एक फिंगर से। अभी आप देखना आगे चल के, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले ब्लॉग में, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अपने चाचू को राखी बांधने के बाद अमृता ने अपने पापा को भी राखी बांध दी, अपने दादाजी को भी राखी बांध दी, सभी को राखी बांध रही है। भैया यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पहली बार रक्षाबंधन मना रही है ना वो, इसलिए बहुत ही मजे कर रही थी। और ये हैं उनके दादाजी जिनको भी वो राखी बांध रही हैं, और दीदी बैठी हैं पास में। तो काफ़ी लंबा चला था राखी बांधने वाला कार्यक्रम, उसके बाद यहाँ पे मेरे रूम में बैठी हैं दीदी, उनको मैं दे रही हूँ ये करवा चौथ की साड़ी। अभी तक नहीं दे पाई थी क्योंकि दीदी से मिलना ही नहीं हो पाया था, तो बस दीदी को साड़ी दे करके मैंने पैर छू लिए हैं। देखो आज के हाथ में कितनी सारी राखी, देखो भैया छोटे छोटे से हाथ में कितनी सारी राखी। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखो, ये तिलक जो लगाया ना ये हमारी दीदी ने लगाया है इतना बड़ा। तो आपको सबसे पहले मिलवा रही हूँ मैं अपनी मम्मी से, जो हमारी सासू माँ है। ये है मम्मी, हेलो कर दो सभी को। मैंने प्रॉमिस किया था कि रक्षाबंधन वाले दिन मिलवाऊंगी सबसे। तो ये मम्मी है और ये है हमारी दीदी, मतलब मेरी ननंद है ये। दीदी हेलो कर दो। हेलो। और ये है हर्ष, तो ये है भाभी, भाभी हेलो करो। और ये है बीच वाली भाभी, जो मैंने आपको बताया था ना, तो वो ये बीच वाली भाभी है, मैं छोटी हूँ, बड़ी भाभी हमारी ग्वालियर रहती है। और ये है हमारे भांजे भांजी, तो ये है सपना, सपना से हेलो हेलो। ये है रुस्तम, दीदी के तीन बच्चे हैं, दो बेटी एक बेटा, तो ये रुस्तम है सबसे छोटे, बीच वाली है सपना और बड़ी है रचना। तो आप सब बोल रहे थे ना ये मेहंदी किसने लगाई है, कई लोगों ने गैस किया था कि मेहंदी वाले भैया आए हैं या फिर भैया ने लगाई है, तो ये लगाई है मेहंदी रचना। ये मेहंदी दीदी की बड़ी वाली बेटी ने लगाई है, उनका नाम रचना है, और वो भी वीडियो में नहीं आना चाहती तो मैं फोर्स नहीं कर सकती, आपको पता है ना, जिसका मन हो वो है ना दीदी, तो जिनका उनका मन नहीं आने का, तो मैंने वैसे आपको दिखा तो दिया है, वॉइस ओवर में भी बता दूंगी वही रचना है, लेकिन वो नहीं आ। तो चलिए फिर डिनर की तैयारी होने लग गई, मम्मी भिंडी काट रही है। मम्मी काहे में रखी भिंडी? तसल में भिंडी रखी। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, आगे का रूटीन जो भी कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखो, यहाँ बैठ करके पापा जी भी हैं यहाँ पे, और भैया बैठे हुए हैं बीच वाले, जिया जी बैठे हुए हैं, दीदी के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तीनों लोग बैठ करके यहाँ पे लूडो वगैरह खेल रहे हैं, आप सभी को हेलो बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, ये हमारे जिया जी हैं, हेलो बोलो। हेलो हेलो सभी लोग। अब ये मेरे बड़े भैया हैं, हेलो बोल लो। ओके बाय बाय। और हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं देखो लूडो, तीनों लोग, अभी मैं ही जीत रहा हूँ देखो अभी। ओके मिल। तो आपको मैंने अपनी पूरी फैमिली से मिलवा दिया है, और बस बड़े भैया और बड़ी भाभी रह गई हैं, तो फिर कभी मिलवा दूंगी। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, डिनर में बनेगा भिंडी की सब्जी और सुबह की मटर पनीर भी रखी हुई थी, तो बस यही हमारा डिनर था। और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।